Hey guys, welcome again to Learn Basics. मैं हूँ विश्व और जनरली आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपना कीबोर्ड ऑपरेट करते हैं तो आपने वहां पर एक होम बटन देखा होगा, ठीक है। लेकिन हम में से शायद बहुत थोड़े से ही लोग होंगे जो होम बटन का प्रॉपरली इस्तेमाल जानते हैं या उसको यूज करते हैं। लेकिन गायज, होम बटन को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या यूसेज हो सकते हैं होम बटन के, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वो क्या क्या है कमाल के यूसेज होम बटन के, जो आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नैरेटिव से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए, 6 पैराग्राफ टोटल हैं, ठीक है। अब सपोज अगर मेरा कर्सर यहाँ लास्ट में है, ठीक है, तो सिंपली अगर आपको ऊपर जाना है, एकदम टॉप पे जाना है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करना होगा और ये कर्सर एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम सी फर्स्ट पे आ गया, नैरेटिव पे आ गया, ठीक है। तो ये तो था पहला यूज होम बटन का। उसके बाद हम फिर चलते हैं लास्ट में। अब अगर आपको सेलेक्ट करना है सारा, मतलब नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक, यानी कर्सर के ऊपर जो कुछ भी इसको सेलेक्ट करना हो, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा, साथ में होम, यानी कि तीनों बटन एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है एक बार में सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था दूसरा यूज। तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ पर है और मुझे ये पूरी लाइन सिर्फ सेलेक्ट करनी है, सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट के साथ मैं होम बटन प्रेस कर दूंगा तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इस लाइन के बिगनिंग में जाना है, यानी कि 100 पे जाना है, ऐसे देख रहे हैं लास्ट यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, सो यू मस्ट इन्वॉल्व द रीडर इन द स्टोरी, यानी स्टोरी पे कर्सर है और मुझे 100 पे जाना है, तो सिंपली हम यहाँ कर्सर यहाँ ले जाकर यहाँ रखेंगे। उसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंपली होम बटन यहाँ पर प्रेस करूँगा, कर्सर आप देखेंगे एकदम 100 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने सिर्फ होम बटन प्रेस किया और कर्सर जो है 100 पे पहुंच गया। इसके बाद आइए अगला यूज भी देख लेते हैं। अब सपोज मेरा, जैसे कि मेरा ये एक ब्लॉग है, ठीक है, learnbasicstoday.blogspot.com, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉग में सबसे नीचे हूँ, यानी कि पेज के एकदम एंड में हूँ, ठीक है। अब मुझे वापस से ऊपर जाना है, तो सिंपली क्या करूंगा, मैं कर्सर यहां से लेकर यहां तक पूरा ले जाऊंगा, तो इसमें काफी टाइम जाएगा। इससे बेहतर है सिर्फ, अगर मैं सिर्फ होम बटन प्रेस कर दूंगा यहां से, तो आप देखेंगे कि एकदम मैं अपने ब्लॉग के टॉप पे पहुंच जाऊंगा। ये देखिए, मैंने सिर्फ बटन प्रेस किया और मैं टॉप पे पहुंच गया, कर्सर वहीं का वहीं है। तो गाइस, सच बताइए कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला? जो भी आपके माइंड में चल रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।